नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर सिरसागंज में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि राम अवतार अग्रवाल के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पहार पहनाकर रोली से चंदन टीका लगाकर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शुभ अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य गिरिराज सिंह जादौन और स्टाफ के द्वारा मुख्य अतिथि और मंचासीन लोगों को पटका पहनाकर नारियल देकर भव्य स्वागत करा गया। वहीं पर उपस्थित मुख्य अतिथि राम अवतार अग्रवाल के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, आज राधा मोहन फरसैया विद्या मंदिर सिरसागंज में समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाई के अलावा अन्य जानकारियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि नृत्य एवं संगीत, पाक विद्या, वैदिक गणित, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी, संस्कृत, संभाषण आदि की जानकारी दी जाएगी। ये विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक गिरिराज सिंह जादौन के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया। समर कैंप का आयोजन हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए एक नया सिस्टम है, जिसमें बच्चों को अनेकों प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी, जो बच्चों के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने में मुख्य अतिथि राम अवतार अग्रवाल, पूर्व प्रधानाचार्य अजय कुमार अग्रवाल, देवेंद्र सिंह, प्रदेश निरीक्षक हरेंद्र सिंह का योगदान रहा। जी सर जी, आज आप यहाँ विद्यालय में आए हैं, किस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है बच्चों के लिए? यहाँ बच्चों के जो समर कैंप का एक प्रारंभ हुआ है, और इस कैंप में बच्चों के विकास की दृष्टि से यहाँ पर शारीरिक, बौद्धिक, अनेक प्रकार के विकास के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जैसे सिलाई की मशीन का सिखाना, बिजली के कैसे ठीक करेंगे, मतलब कुछ चीज़ें जो व्यक्ति बालक के जीवन में सामान्य तरीके से बच्चा कर सके, इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रशिक्षण टाइप का काम होगा। समर कैंप में बौद्धिक विकास की दृष्टि से है, बच्चों को बौद्धिक विकास की दृष्टि से बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी बच्चों के विकास की दृष्टि से, और शिक्षा की शिक्षण भी दिया जाएगा, जैसे बताया गया वैदिक गणित है, वैदिक गणित इंग्लिश की स्पीकिंग है, इस प्रकार की सारी चीज़ों का बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा यहाँ पर। और 5 दिन का है ये वर्ग, 3 दिन का वर्ग, 26 दिन का वर्ग है, और 3 दिन के वर्ग में बच्चों को इस प्रकार का, क्योंकि जो सामान्य जीवन में बच्चों के जो चीज़ें घटित होती हैं, उन चीज़ों को सामान्य जानकारी बच्चों को देती है, तो उस चीज़ में बच्चा उस कर सकता है कुछ चीज़ें, और क्योंकि ये शिक्षण से अलग चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों के जीवन में इस प्रकार की चीज़ें सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे भविष्य अपना कर सकें, कहीं भी कोई संघर्ष आए उसको झेल सकें, किसी प्रकार से उसका उत्तर दे सकें, इस प्रकार से इस कैंप का बच्चों के विकास की दृष्टि से ये कैंप का यहाँ पर आरम्भ किया गया है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम गिरिराज सिंह जादौन। जी सर जी, जो ये आज आपके विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये किस प्रकार का आयोजन है? इस आयोजन से छात्र छात्राओं को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? जी अपना जो विद्यालय है, विद्या भारती की प्रेरणा से चलने वाला विद्यालय है हमारा, और जैसा कि नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी ये है कि बच्चों के अंदर नई नई प्रतिभाओं का उजागर करना, प्रतिभाओं को, और बच्चों में जो अपने भैया बहन हैं, पढ़ाई के अलावा भी शिक्षा, शैक्षिक गतिविधियों के अलावा भी शिक्षणेत्र क्रियाकलाप कराए जाएं, जिससे कि भैया बहनों में, हमारे विद्यार्थियों में कौशल विकास का निर्माण हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस वर्ष हमने एक नवीन प्रयोग हमने शुरू किया है, जिसका नाम हमने अभी रखा है समर कैंप, और इसमें सभी भैया बहन कुछ विषयों का प्रशिक्षण लेंगे, जैसे वैदिक गणित है, अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत संभाषण है, सॉस, अचार, मुरब्बा, इनके निर्माण की कला है, विभिन्न पाक कलाएं हैं, तथा संगीत, नृत्य एवं गायन का प्रशिक्षण है, और इसी के साथ लघु नाटिका का भी प्रशिक्षण होगा कि लघु नाटिका में कैसे प्रतिभा किया जाता है, कैसे उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे उसमें अभिनय किया जाता है, यानी पूरी मेकिंग एक से कह सकते हैं सामाजिक जागरूकता के लिए जो शॉर्ट फिल्म जो होती हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमने अभी आज दिनांक 21 मई 2024 से समर कैंप का आयोजन किया है, और निश्चित ही हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी, और इसके परिणाम आने के उपरांत हम आगे भी इस प्रकार के अन्य क्रियाकलाप विद्यालय में आयोजित करते रहेंगे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।